पॉडकास्ट 8:15 पे आ जाता है, लेकिन हमारा ऊपर नीचे होता रहता है। अल्लाह, पॉडकास्ट वाली टीम तो बड़ी सही है भाई, दिल पे लगा राजकुमार जी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए वरना होगी होगी होगी। पौने 7 बजे डालेंगे ब्लॉग, शहजादी का वादा है आपसे, देखना। राजकुमार को चैलेंज मंजूर है। नया साल चढ़ते ही गोला भी साइकिल भी चढ़ उठा चढ़ उठा उतरना चाहता। अच्छा उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ। हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। साल का अब हर दिन एकदम नया नया लगता है, नई एनर्जी, नई मतलब समझ आइए। अभी जब काम हो ना तो सब अच्छा लगता है, तो बहुत सारी मीटिंग है, सो हम जा रहे हैं अभी एक मीटिंग पे। नए साल पे हमने बहुत सारा खाना तो खा लिया, चाइनीज वाला, मीठा नहीं खाया कुछ, तो आज कुछ ऑफिस मीठा लेके जाते हैं। जब तक 10-15 दिन ना हो जाए नए साल को, तो नया साल ही रहता है, है ना पांडे जी? हाँ मैं। तो आज कुछ फिर मीटिंग के बाद कुछ मीठा लेके जाए, ले चलिए खाया जाए। तो ठीक है जी, मीटिंग के बाद मीठा लेके जाते हैं कुछ। One hour later. तो चलिए जी, मीटिंग खत्म हो गई है, मैं और पांडे जी आ गए हैं लोखंड वाला, और वहाँ पे बहुत ही फेमस और यमी यमी जहाँ पे चीजें मिलती हैं, उस दुकान का नाम है इडन। और ये माइंड ब्लोइंग बेकरी है यार, फ्रेश ब्रेड्स, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे केक हैं। तो चलिए जी, हमने यहाँ पे बहुत सारी मिठाई ले ली और कुछ खाने को भी लिया है, अब जाएंगे ऑफिस, क्योंकि मीटिंग बहुत लंबी थी और मुझे भूख भी लग गई। यहाँ से ही मैं कुछ लेने आई थी, मैंने सब कुछ यहीं से ले लिया। थैंक यू, ब्लॉग खराब करने के लिए। मैडम के हम लोग बचपन से देख रहे हैं। बचपन से मतलब जब से वो संभाला है। कोई केक दो भैया जो मैं अपने मुंह पे मार सकूं। बचपन से मतलब ये बच्चा बन गए और मुझे बुढ़ी बना दिया। नो, सारा ऑर्डर कैंसल। अरे मेरे बच्चे बचपन से देखे। हाँ, अब हुई ना बात चेंज। तो यार बहुत अच्छा सामान होता है और बहुत फ्रेश होता है और यमी, इसीलिए मैंने सब पैक करवा लिया और सब मेरा ही पैक कर रहे हैं। A few moments later. तो चलिए ऑफिस आते ही मुझे भूख लग जाती है, एक ऑफिस और एक मेरी मम्मी का घर। आजकल तो ससुराल जाती हूँ वहाँ भी लग जाती है, तो इसका मतलब मैं भूखड़ हो रही हूँ। मैं ऑफिस आ गई हूँ। आई नो यार, ऑफिस ऐसे पीछे से कितना गंदा लगता है। oh, no. मर सुकून बहुत है यहाँ पे, काम बहुत है यहाँ पे। बना नहीं ना ये इसके। क्या बोलना? मैं बना नहीं, खुला है। हाँ देखो, हम कैसे रह रहे हैं, जैसे लगता है कि दूसरे देश के लोग यहाँ पे 15 दिन के लिए रह रहे हैं। हाँ, हमारा ऑफिस बन रहा है, फिर आपको दिखाएंगे ऑफिस किसे कहते हैं, है ना मुन्ना? हाँ। तो चलिए, ऑफिस आ गए हैं और मीटिंग हो गई थी, लेकिन हम कुछ मीठा भी लेके आए हैं, केक वेक, क्योंकि नया साल चला गया है। कुछ मीठा नहीं खाया था, नूडल्स वूडल्स तो बहुत खा लिए थे। केक लाए हैं और ऊ है हार्ट। मैं किसी का सपना हूँ। हमारे जो ऑफिस में सबसे छोटा है उम्र में, इनकी उम्र 17 साल है, 17 साल है, और ये आत्मा जो आगे से निकल के गई है, ये लड़की 20 साल पहले मर चुकी थी 4 बंगला महाड़ा में। एक एक महीना सबके बंगलों में काम करती है ये आत्मा की तरह, बंदा कोई भी चांस मिस नहीं करता, और वो है हर एक लड़की की दिल की पसंद राजकुमार। हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। राजकुमार जी यार कितने लंबे हो भाई आप, अगर हमारे ऑफिस की छत में कोई भी चूहा मरेगा तो आप निकालोगे, क्योंकि आपकी हाइट लंबी है। ओ मुन्ना भैया के बिना तो पार्टी अधूरी है। पांडे जी बोलिए, नए साल में कुछ सैर वैर कर रहे हैं कि नहीं? बस केक कटने वाला है। हाँ केक कटने वाला है। हाँ तो पैर से थोड़ी काटेंगे। सो भाई दोस्तों, नया साल आ गया, लेकिन हम दिसंबर 2023 में जैसे थे हम वैसे ही है। We are late, always late. आत्मा दीदी पीछे हटना, इनका कैंडल कहाँ है? शक्ति यार, शक्ति पतला हो गया, शादी जब से फिक्स हुई है ना। oh, no. So, दोस्तों फिक्स नहीं हुई, मेरे मुंह से कभी निकल जाता फिक्स हुई कभी है, वो बेचारा कहता मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी, मतलब हम देख रहे हैं उसके लिए, मतलब घर में अभी शक्ति का ही नंबर है ना शक्ति। और इधर देखो ऑडियंस पूरी खड़ी रहती है, 1500 रुपए के केक के लिए
ये लोग 15-15 लाख का काम छोड़ के इधर खड़े रहते हैं। और सबसे ये देखो और ये देखो, ये मेरे बेटे की जो टी शर्ट पहनी तुमने गोले की, यार ये बहुत अच्छा है और बस अच्छा ही है बस, और कोई टैलेंट नहीं है इनमें, सिर्फ ये अच्छे हैं। पापा का राजा बेटा, और पांडे जी को मैं विग लाके दूंगी और साड़ी और ब्लाउज तो मम्मी बनोगे आप। ये है मम्मी पापा और उनका प्यारा बच्चा। आप दो ही God bless you। मुन्ना भैया, हाँ मुन्ना भैया को वही हिस्सा खिलाया जो खुजा के पकड़ा था। बस केक के ऊपर हटके खाएंगे तो ताकि गिरेगा नहीं मुंह से। आइए पांडे जी, ये कटेगा तो सब में बटेगा। तो गाइस नया साल चढ़ गया लेकिन हम नहीं सुध रहेंगे, हमारा ब्लॉग फिर से लेट गया है। ये वो ब्लॉग होते हैं जो एंड मौके पे थोड़े बड़े होते हैं, जिसको काटने में बहुत मुश्किल होती, बेचारे लगे हुए हैं। अबे जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। नया साल आ गया है, इनका इनका पॉडकास्ट 8:15 पे आ जाता है लेकिन हमारा ऊपर नीचे होता रहता है। अल्लाह ये ले। A few minutes later. चलिए गाइस चलते हैं और केक खा लिया सबने। तुम ऐसे करो सुबह जल्दी आके बालकनी से बाल लटकाना, शक्ति शक्ति बाल पकड़ के आ जाएगा ना। चलो भाई इससे पहले पेट कम हो, बाय गाइस, बाय करो, बाय बाय। सो चलिए जी मैं ऑफिस से आ गई हूँ, सोच रही हूँ कि कल घर पे रहूँ अपने परिवार के साथ, यानी कि मेरा चुचरी और मेरा मुमरी, मुमरी मतलब मेरा बाबू छोटचिया, अंगूर 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 क्या करता है यार, हर दिन कुछ ना कुछ नया करता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फटाफट फटाफट चल 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 भाई लेफ्ट कि मैं चलूँ। इधर आओ, इधर इधर आओ, पुराने पुराने व्लॉग देख के मुंह में पानी आ रहा है रूपा शेख के। बाबू बाबू, इस बंदे ने बड़ा तंग किया हुआ मुझे, इस बंदा, ये छोटा बंदा नहीं मतलब गोला नहीं बड़ा बंदा हर्ष, ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है, मजा आता है। पहले बोलता आलू पराठा खाऊंगा, फिर बोलता नहीं मैं उसकी खाऊंगा, यार वो क्या होते हैं जिसको हम सांभर में भी डालते हैं, ड्रमस्टिक, उसकी सब्जी खाऊंगा, वो बना दी ड्रमस्टिक की सब्जी बना दी, फिर बोलता मैं डोसा खाऊंगा, फिर नारियल मंगवाया, चटनी बनाई, अभी डोसा खा रहा है। नए साल के दिनों में ये क्या कर रहा है लड़का, क्या खाया, डोसा, ड्रमस्टिक खाई, ड्रमस्टिक भी खाई, डोसा भी खाया, ड्रमस्टिक भी खाई, आलू पराठा भी खाया, सारे लोग खुश हो गए। लेकिन ये सारे लोग खाना खा के भी तेरी तरह चिड़चिड़े हैं, ये तेरे जैसे हैं, देख चिड़चिड़े है, मुझे लगा कुछ कहने लगे हैं, हाँ भड़क गए मेरे भी। सो गाइस नया साल निकल गया है, इतनी भी नहीं रही मैं अभी, हाँ हाँ 15 किलो की हो चुकी है ना तू, 15 किलो। फिर प्यार से बात कर, नया साल चल रहा है, बताओ। हाँ सो मैं कह रही थी दोस्तों कि जैसे काफी जगह पे सर्दी हो गई है, देख रहे हैं कि लोग बहुत ठंड में, बॉम्बे में हुई ही नहीं, मतलब मैनू इतना गुस्सा चढ़ता ना कि पंजाब में यार हर मौसम आता है, इधर एक जैसा ही मौसम रहता है, क्यों क्यों क्यों, दस में मुंबई कर। सही है ना यार, पूरा साल एक ही जैसा मौसम, कभी बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा गर्मी, ऐसा नहीं, सब जगह सेम, गर्मी भी ठीक ठाक, ठंडी भी ठीक ठाक, हम ठीक ठाक लोग मुंबई। सो गाइज आजकल व्लॉग थोड़े लेट जा रहे हैं तो मुझे थोड़ा
टेंशन होती है कि आप लोग 7 बजे वेट करते हैं। हमारी पॉडकास्ट वाली टीम तो बड़ी सही है भाई, टाइम टू टाइम आता है। सो मैं बता दूं, आज दोस्तों हमारा काफी लेट गया। सो आज मुझे बहुत गुस्सा आया कि जो हर्ष की टीम है पॉडकास्ट की, वो बार बार हमारे एडिटर्स थे उनके पास आके बोल रहे थे ब्लॉग गया नहीं, लाइव गया नहीं। तो हमें गुस्सा आ रहा था और हम कह रहे थे बस जाने वाला है, अच्छा हमारा पॉडकास्ट तो खत्म भी होने वाला है। सो बहुत ये सब ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना होगी होगी होगी। देख ले फिर भाले और तलवारें और तीरें। कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा। जीतो बेटा, बहस मत करो, जीतो। वक्त की रेस में हमसे जीत के बताओ। उन्होंने ताना मारा, वो दिल पे लगा राजकुमार जी। अभी अक्षय जाती का वादा है आपसे, देखना। 8:15 डालते हो ना पॉडकास्ट, हम 7 बजे डालते हैं ना, 7:45 डालेंगे व्लॉग। राजकुमार ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, मैं वचन लेती हूँ। ठीक है शहजादी, राजकुमार को चैलेंज मंजूर है। तू जा भाई, जिंजर टी पी जाके पहले। दोस्तों नए साल के दिन चल रहे हैं, जनवरी चल रहा है, मैं आपका मूड खराब करती हूँ। टेढ़े घुटने किनके होते हैं, जो खुद काम नहीं करते और पत्नी से काम करवाते हैं, और उन्हें पता होता है तभी वो मंद मंद मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं। अब मुझे भेज के वो वापिस से कुछ मीठा बना। क्या कुछ मीठा बना? चल बोला ना, काम करवाते हैं तो करना काम। चल मीठा बना, बना बेटा, चल सूजी का हलवा बना। देसी घी डाल के। गाइस मेरे पति ने डिमांड की है कि सूजी का हलवा बनाए, और मैं एक अच्छी पत्नी होने के नाते, 11 बज रहे रात के, और मैं एक अच्छी पत्नी होने के नाते मुंह तोड़ जवाब देती हूँ, हट। मैं किसी ने टावल रख दिया, पैर पोंछ के जाऊं। हाय सीला। हाय। ये कुछ खा के हटी है इसे। हाँ खाना खाया। क्या खाया? ये। अच्छा था। हाँ। बाबू सो गया। बाबू सो गया, बाबू सो गया। मैं भी बस ब्लॉग को एंड करने वाली हूँ। शीला को इतना तंग करता है हर, ऐसे कौन करता है यार, ये होटल में रह रहा है जो ऑर्डर पे ऑर्डर देता रहता है। अभी भी सोच रहे शादी करनी है कि नहीं। दीदी का हाल देख ले बेटा, दीदी का हाल। नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी। दीदी का हाल देख ले, शूटिंगों में मैडम मैडम मैडम, और इधर देख मैडम का कैसे झाड़ू जैसे बाल हुए हुए मैडम के। oh, no. So guys, इन झाड़ू वाले बालों के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और बस कोशिश करेंगे टाइम पे व्लॉग डालने की। बाय। मत करना शादी। नेटवर्क पूरा है माड़ा में, कौन कहता है यहाँ पे नेट नहीं आता। क्या हुआ मुन्ना?